दिस इज़ प्रिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन उसे हिट कर देना, इससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स वाइन हाइड्रेटिंग मास्क का रिव्यू, और आई रियली होप कि आप लोगों के लिए रिव्यू हेल्पफुल रहेगा और ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। तो इस तरह से एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर आपको एक गोल्डन कलर की कैप मिल जाती है और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा है ऑरेंज कलर का, जो आपको purple.com से अगर आप परचेज करते हैं तो गुड वाइब्स के हर प्रोडक्ट पर आपको इस तरह का स्टिकर लगा मिलेगा। एंड इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद इसकी और इस पर लिखा हुआ है गुड वाइब्स वाइन हाइड्रेटिंग मास्क। इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 grams, और इसमें नो पैराबेंस नो सल्फेट्स क्रुएल्टी फ्री है। तो इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है और क्रुएल्टी फ्री है। एनिमल्स पे टेस्टिंग नहीं किया गया है इसको। उसके बाद आते हैं इसकी इसकी बिहाइंड साइड पर। तो इसकी बिहाइंड साइड पर आपको इसके सारे की इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इस पर लिखा हुआ है वाइन बिकॉज वेल वाइन कंटेन्स पॉलीफिनॉल्स दैट हेल्प ट्रांसफॉर्म डल कम्प्लेक्शन एंड गिव्स अ मच नीडेड ग्लो, प्रेजेंस ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स हेल्प वन स्टे यंग एंड रेविशिंग। तो इसका जो काम है वो ये बोल रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है डल कम्प्लेक्शन को, और इसमें इससे जो हमारी स्किन में ग्लो आता है। उसके बाद इस पर लिखा हुआ है क्राफ्टेड विद पैशन स्किल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड स्किन एक्सपर्टाइज। आफ्टर ऑल इन लाइफ ऑल यू एवर नीड इज लव, फ्रेश ग्लो ऑन योर फेस एंड गुड वाइब्स। क्रिएटेड फॉर ऑल एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई एंड एजिंग स्किन। तो ये सब सारे स्किन टाइप्स के लिए बनाया गया है, लेकिन जो हाईली रिकमेंड करें ड्राई स्किन के लिए हाईली रिकमेंड करें और एजिंग स्किन के लिए। उसके बाद इस पर लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। स्कूप आउट ग्रैन्यूल गुडनेस थ्रू योर जेंटल फिंगर्स स्टीडली एंड स्मूथली, मसाज इट ऑन योर क्लेंस्ड फेस, लेट इट रेस्ट फॉर 10 minutes, क्लीन विद वाटर एंड गो शाइन ब्राइट। तो आपको इस थोड़ा सा अपने फिंगर्स पर लेना है और अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर देना है, अपने फिंगर्स से मसाज करना है। उसके बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग दी गई है, बी केयरफुल कॉन्टैक्ट विद आईज, दे वॉन्ट लाइक इट, रिंस थॉरली विद वाटर इन केस दैट हैपन्स, नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स मे बी इरिटेटिंग टू सम पीपल, ऑलवेज कंडक्ट अ पैस्टर्स बिफोर यू, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो अगर आपके आईज में चला जाता है तो जल्दी से अपने आईज को वॉश कर लीजिए। और इसके जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं वो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इरिटेट कर सकते हैं। तो कुछ भी प्रोडक्ट, सिर्फ इसको नहीं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसका पैच टेस्ट ज़रूर लें। तो ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात। अब बात करते हैं इसकी इनसाइड पैकेजिंग की। तो इसका जो ओपनेबल, तो ये इस तरह से कुछ ओपन होएगा और इसका जो कलर है वो है पिंक, आप देख सकते हैं कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है मुझे, इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, थोड़ी अजीब सी स्मेल है। और अगर आपकी सेंसिटिव नोज है तो आप लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी इसकी स्मेल, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक लिड भी मिलती है वाइट कलर की, जो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि उसको मैंने उतार के अलग से साइड में रख दिया, क्योंकि जब आप इसे ओपन करते हैं वो लिड यहाँ पर इसकी चिपक जाती है और सडनली वो नीचे गिर जाती है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो मास्क है इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा रनी नहीं है और थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक क्विक डेमो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसने मेरी स्किन में क्या वर्क किया है। सो लेट्स सी।
तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस मास्क को यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी जो स्किन है पहले से थोड़ी सी ब्राइटन अप लग रही है, रिफ्रेश लग रही है, क्लीन लग रही है। और जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि ये ड्राई स्किन के लिए हाईली रिकमेंड है और मेरी स्किन है ड्राई और इसने मेरी स्किन को डेफिनेटली हाइड्रेट किया है। जैसे कि इस मास्क पर लिखा हुआ है हाइड्रेटिंग मास्क है, इसने मेरी स्किन को हाइड्रेट किया है। और एज वी ऑल नो कि विंटर्स में सभी को एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे, ड्राई ना होने दे, और स्पेशली ड्राई स्किन को, क्योंकि उनकी विंटर्स में स्किन हो जाती है डबल ड्राई। इसलिए तो इसने मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाया है, सपल बनाया और मेरी स्किन इससे बिल्कुल भी ड्राई आउट फील नहीं कर रही है। बट यस, अगर आप कोई भी मास्क यूज़ करते हैं तो मास्क यूज़ करने के बाद आप डेफिनेटली अपना टोनर एंड मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। मैंने अभी अपने फेस पर अप्लाई किया हुआ है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर एंड आई थिंक ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए भी वर्क करेगा। मैं पक्का तो नहीं कह सकती बट मुझे लगता है कि ऑयली स्किन वालों को ये एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड ड्राई स्किन वालों को तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर ही देना चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मास्क रहेगा और इस स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे ये मास्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आपको इसे यूज़ करना है ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। सो मेरी तरफ से मिलता है इस मास्क को एक बिग थम्स अप, क्योंकि ये मास्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपका इस मास्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आप अभी तक फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आई रियली होप कि आप लोगों के रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।